हेलो गाइस, माय नेम इज अतुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल अपना प्रतियोगिता एकेडमी। तो जैसा कि हम लोग इस क्लास में मैं आपको वर्ड मैपिंग करा रहा था, तो सबसे पहले हमने अभी तक टोटल चार क्लासेस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं वर्ड मैपिंग की, जिसमें से दो क्लास हमको कम्प्लीट लगी थी साउथ अमेरिका कम्प्लीट करने में और दो क्लास अभी हमारी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की हो चुकी हैं। ठीक है, इसके अलावा अभी अफ्रीका की एक और वीडियो रह गई है क्लास, वो टोटल 40-45 मिनट्स की एक क्लास होगी, 50 मिनट्स मैक्स। उसमें हमारा जो कंप्लीट करने रह गया है वो है हमारे डेजर्ट्स, लेक्स, माउंटेन्स, पीक्स और ग्रासलैंड्स एंड रिवर्स। ये जो छह चीजें हैं ये चीज हम लोग कंप्लीट करेंगे अफ्रीका की एक नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद आपका अफ्रीका पूरा कॉन्टिनेंट कंप्लीट हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद यूरोप, क्योंकि यूरोप काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें काफी सारे आपके वाटर बॉडीज काफी सारी हैं जो आपको याद करनी है, स्ट्रेट्स काफी सारी हैं, उसके बाद हम यूरोप से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने एक चीज सोचा कि अफ्रीका का लास्ट पार्ट देने से पहले, मैंने आपको साउथ अमेरिका पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको साउथ अमेरिका के यूपीएससी एंड यूपीपीएससी के कुछ क्वेश्चन करा जाए, जिससे आपको पता चले कि आपकी जो प्रिपरेशन है या मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट पढ़ाया है साउथ अमेरिका में वो कितना सही है, कितना वैलिड है और कितना नहीं है। तो क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन भी कहाँ पे चल रही है, और आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका आएगा जो कि मैं आपको इन स्लाइड्स में भी बताऊंगा जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे, कि आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए अगर आपको उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, हमने स्टार्ट किया था अपना वर्ल्ड मैप, मैं बोलता हूँ हमने अपना स्टार्ट किया था साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से। इसमें हमने पूरा कॉन्टिनेंट को डिटेल में पढ़ा था वेद इसके कंट्रीज, कैपिटल्स, माउंटेन्स, लेक्स, डेजर्ट्स, रिवर्स, पीक्स, ग्रासलैंड्स, इंपॉर्टेंट सिटीज, ये सब चीज़ें हमने पूरी अच्छे से कंप्लीट करी थी साउथ अमेरिका की। तो अब हम बिना देर किए हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी तो जैसे मैं आपको अगली स्लाइड में जैसे इसमें आपको बता देता हूँ हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट 13-14 कंट्रीज पढ़े थे, और ताकि आपको एक लेआउट मिल जाए जल्दी से, क्योंकि मेरे को यह पता है कि मोस्टली लोग 5-6 दिन हो चुके हैं वीडियोस पड़े हुए तो लोग भूल गए होंगे। सबसे पहले हमारा आता है कंट्रीज में फ्रेंच गुआना जिसकी कैपिटल है कहीं, फिर आता है सूरीनामे जिसकी कैपिटल है पैरामरीबो, फिर आता है गुआना जिसकी कैपिटल है जॉर्जटाउन, फिर आता है हमारा वेनेजुएला जिसकी कैपिटल है कैराकास, फिर आता है कोलंबिया जिसकी कैपिटल है बोगोटो, फिर आता है हमारा इक्वाडोर जिसकी कैपिटल है क्यूटो, फिर आता है हमारा पेरू जिसकी कैपिटल है लीमा, फिर आता है चिली जिसकी कैपिटल है सेंटियागो, फिर अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनोस एरेस, फिर उरुग्वे की कैपिटल मोंटेवीडियो, फिर पैराग्वे की कैपिटल शुशन, बोलीविया की कैपिटल आपकी लापाज और सुक्रेस दोनों हैं, और ब्राजील की कैपिटल आपकी ब्राजीलिया। ये सारे कंट्रीज हमने पढ़े थे। उसके अलावा हमने इसका जो फिजिकल जो ओवरव्यू देखा था पूरा साउथ अमेरिका का, फिजिकल ओवरव्यू में हमने इसके इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हमने इसके पढ़े थे इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स, फिर हमने पढ़े थे कुछ इम्पॉर्टेंट पीक्स, फिर हमने पढ़ा था रिवर्स, फिर हमने पढ़ा था लेक्स, फिर हमने पढ़ा था ग्रासलैंड्स, फिर हमने पढ़ा था इसका डेजर्ट्स। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं साउथ अमेरिका में, तो मैं बार बार इस चीज़ को रिवाइज नहीं कराऊंगा। अब हम आते हैं अपना सीधे क्वेश्चन की तरफ। तो टोटल मैंने इस स्लाइड में टोटल 15-16 क्वेश्चंस लिए हैं, एकाध शायद क्वेश्चन कोई रिपीट हो सकता है मुझे पता नहीं, लेकिन इस स्लाइड को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और देखिएगा कि आपकी प्रिपरेशन भी कैसी चल रही है, कि आपको कितने अच्छे से वर्ड मैपिंग आ रहा है। तो हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ये जो हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ये किस हेमिस्फेयर में लोकेटेड है, तो आप ट्राई करिए। तो जैसा कि हम लोग इस वर्ल्ड मैप के थ्रू देखते हैं कि हमारा जो साउथ अमेरिका है वो ये वाला रीजन है, तो ये हमारा इक्वेटर जाता है ऐसे, ठीक है, ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये हमारा सदर्न हेमिस्फेयर है, ये हमारी लैटिट्यूड वाली लाइंस होती हैं, ये लॉन्गिट्यूड होती है, जो लेटी हुई होती है वो लैटिट्यूड होती है और जो खड़ी होती है वो लॉन्गिट्यूड होती है, और इस तरफ हमारा वेस्टर्न हेमिस्फेयर पड़ता है, इस तरफ हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर पड़ता है। तो हमारा जो नॉर्थ अमेरिका हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, आपका साउथ अमेरिका हो गया, ये सारा का सारा जो एरिया है ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। तभी तो जब भी हम बात करते हैं हमारे कल्चर या उसके बारे में, तो लोग हमें नसीहत देते हैं कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर ना अपनाएं,
तो वेस्टर्न मीन्स ये यूरोपियन, और ये वाला कल्चर रीजन जो है, ये पूरा रीजन का जो कल्चर है, एक बार मैं इसको इरेज करके सही से बताता हूँ, ये जो रीजन है पूरा, ये यूरोपियन कल्चर थोड़ा सा, ये सब हमारा वेस्टर्न कल्चर्स में आता है। और जब भी इधर से बात होती है कि इंडिया की, तो इंडिया हमारा आ जाता है ईस्टर्न कंट्रीज में, ईस्टर्न रीजन में, और बेसिकली नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में बोला जाता है। तभी जब भी हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की इंडिया की बात करते हैं, तो नॉर्थ और ईस्ट से उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेते हैं। इसके बाद और हमारा अगर देखा जाए तो ईस्टर्न कंट्रीज इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि हमारा जब इंडिया में फर्स्ट टाइम जो यूरोपियंस आए थे पोर्टुगल से, ये वाले रीजन से, वो इधर से सीधे इंडिया आए थे, और यहाँ पे जितनी भी, इसलिए जो कंपनी शुरू होती हैं, जैसे ब्रिटेन में शुरू हुई ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ने अपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू करी, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब ये नहीं है, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ब्रिटेन की भी ईस्ट इंडिया कंपनी है, फ्रेंच की भी ईस्ट इंडिया कंपनी है, पोर्टुगीज की भी ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब सब एक ही है, इसका मीन्स ये है कि हमारा जो इंडिया है वो ईस्ट में पड़ता है, और ये सारे कंट्रीज इधर रीजन से ईस्ट में आए थे, तो इसीलिए उनकी जितनी भी कंपनीज हैं उस कंट्री का नेम और फिर उसके आगे ईस्ट इंडिया के हिसाब से बना था। तो इस तरीके से वहाँ पर कंट्रीज की नेमिंग होती है। तो ये हमारा हेमिस्फीयर वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें पूछा गया है साउथ अमेरिका इज अ कॉन्टिनेंट लोकेटेड इन विच हेमिस्फीयर। तो अब जैसे कि मैं आपको मैप में भी दिखा चुका हूँ, तो इसका आंसर आपको याद हो ही गया होगा कि साउथ अमेरिका जो है हमारा, वो है हमारा ईस्टर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, ये वाला इसका आंसर होगा, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट द साउथ अमेरिका टू नॉर्थ अमेरिका, मीन्स साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका जो कनेक्ट करता है वो क्या करता है। इसके लिए मैंने आपको बहुत अच्छे से एक बार अफ्रीका जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको पढ़ाया था, दो चीजें होती हैं, एक होता है अपना स्ट्रेट और एक होता है अपना इस्थमस। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब आपने इसमें पढ़ा ही होगा कि अटलांटिक ओशियन, जैसे अब मैं आपको इसमें पहले स्ट्रेट और इस्थमस बताता हूँ, फिर बताता हूँ इस क्वेश्चन को हम कैसे और अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पता हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेट क्या था, हमने पढ़ा था कि जो दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है एंड दो लैंड मासेस को सेपरेट करती है। सिमिलरली इस्थमस हमने वाइस वर्सा पढ़ा था कि जो दो लैंड मासेस को तो कनेक्ट करता है लेकिन दो वाटर बॉडीज़ को सेपरेट करता है। ये हमारा बेसिक डिफरेंस था स्ट्रेट और इस्थमस में। इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में हमको कैसे अटेम्प्ट करना है। अब आप देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है हमारा अटलांटिक ओशन। अब आप ध्यान से देखिए, अटलांटिक ओशन जैसे हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था अटलांटिक ओशन एक एस शेप्ड ओशन है जो हमारा यूरोप और आपका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को बीच में से डिफ्रेंशिएट करता है, इधर हमारा अफ्रीका भी आ जाता है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ हमारा साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है, तो ये हमारा अटलांटिक ओशन से सेपरेट हो रहा, कनेक्ट कर रहा होगा इनको। अगर कर भी रहा होगा अटलांटिक ओशन, तो वो सेपरेट कर सकता है यहाँ पे बीच में एक स्ट्रेट बना के, लेकिन कनेक्ट तो नहीं कर सकता। उस तरीके से हमारा ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब आती है बात इक्वेटर की, तो इक्वेटर कैसे दो कॉन्टिनेंट्स को ज्वाइन करेगा। इक्वेटर तो एक लाइन है सिंपली, ये हमारा ग्लोब, उसमें एक इक्वेटर सिंपली लाइन है जो कंट्रीज से पास होती है, तो ये कॉन्टिनेंट्स को जोड़ तो सकती नहीं है, तो ये गलत हो गया। आइलैंड ऑफ टियरा डेल फियागो और इस्थमस ऑफ पनामा, ये दो ऑप्शन रह गए हमारे, ये दो ऑप्शन हमारे रह गए हैं बस। मतलब हम 50% क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो 50% रह गया है, अब हम उसको, हमको उस पर ध्यान देना है। तो जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मैं अब इस आइलैंड ऑफ टियरा डेल फियागो बताता हूँ। ये आपको मैंने पढ़ाया नहीं था, लेकिन ये साउथ अमेरिका में ही है। तो अगर ये साउथ अमेरिका में है तो इस्थमस ऑफ पनामा, हाँ, तो ये कैसे हमारा साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट कर सकता है अगर ये साउथ अमेरिका में ही है। तो अब हम बात करते हैं अपने ऑप्शन नंबर सेकंड की, इस्थमस ऑफ पनामा, जो कि इसका आंसर है। इस्थमस ऑफ पनामा, जब मैं आपको पढ़ा रहा था नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ कुछ सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं, मैं यहाँ पर एक बार मार्क कर देता हूँ फिर बताऊँगा कि हमारे कुछ सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं यहाँ पर, ये यहाँ पे एक पनामा आता है, और ये इस पनामा कैनाल भी कहा जाता है यहाँ से जो जाती है, और इसी को इस्थमस ऑफ पनामा भी कहा जाता है, क्योंकि ये आपका नॉर्थ अमेरिका एंड आपका साउथ अमेरिका को कनेक्ट कर रहा है। तो हमारा अब क्वेश्चन पूछा जाए दोबारा से कि
विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट साउथ अमेरिका टू नॉर्थ अमेरिका। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि इस्थमस ऑफ पनामा हमारा जो है वो है साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट करता है। अब मैं आपको यहाँ पे अटलांटिक ओशन भी दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए ये हमारा अटलांटिक ओशन है। तो ये कहाँ से हमारा साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट कर रहा है? कहीं भी नहीं, आसपास भी नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद हमने इक्वेटर पढ़ा था, ये इक्वेटर जा रही है अपनी, ये वाली जो लाइन है ये देखिए, ये जो लाइन है ये हमारी इक्वेटर जा रही है। तो ये भी कहीं से भी कहीं आपको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट नहीं कर रही है, तो दो ऑप्शन अट गए। इस्थमस ऑफ, फिर आपका आता है आइलैंड ऑफ टियरा डेल फ्यूगो, ये साउथ अमेरिका में है, आप याद रखिएगा। और इसका जो हमारा आंसर है वो है इस्थमस ऑफ पनामा। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से हमारे सेकेंड क्वेश्चन कम्प्लीट होता है। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका। तो जब मैंने आपको साउथ अमेरिका पढ़ाया था तो मैंने आपको ये चारों पीक्स बताई थी इम्पॉर्टेंट, जिसमें माउंट क्विंटो था आपका इक्वाडोर में, मैं रिवाइज करा देता हूँ। माउंट एटना आपने नहीं पढ़ा होगा क्योंकि ये जो है ये यूरोप का पार्ट है, और माउंट एटना है आपका इटली में, सिसिली आइलैंड जो है वहाँ पे आपको माउंट एटना मिलेगा। मैं बता देता हूँ, पहले आपको बता देता हूँ सारे कहाँ हैं, फिर आपको मैप में बताऊँगा। माउंट एकनगुआ है हमारा अर्जेंटीना में, और माउंट कोटोपैक्सी है जो कि है हमारा इक्वाडोर में। तो अब हम देखते हैं इनकी पोजीशंस। ये देखिए, सबसे पहले हम मैं आपको बता देता हूँ एटना किस जगह है, ताकि आपको पता रहे। ये है हमारा इटली, आपको इसमें दिखेगा नहीं, मैं वैसे बता देता हूँ। इटली, ये है इटली हमारा, यहाँ पे ये आपका सिसिली आइलैंड है, और इसी में आपका माउंट एटना मिलता है सिसिली आइलैंड में। उसके बाद है हमारा माउंट एकनगुआ, तो हम अपना माउंट एकनगुआ ढूंढते हैं। माउंट एकनगुआ हमारा ये रहा, जो कि है आपका 6960 मीटर का माउंट एकनगुआ। उसके बाद हमारा माउंट कोटोपैक्सी ये रहा, और माउंट क्विटो भी इधर ही है। तो इससे हमें पता चल गया कि चारों ऑप्शंस हमने देख लिए अच्छे से, कि अगर आ जाए क्वेश्चन माउंट क्विंटो हमारा इक्वाडोर में है, एटना मैंने आपको बताया यूरोप में इटली में है, सिसिली आइलैंड में, नीचे जो उसका है मैं लिख देता हूँ, माउंट एटना यूरोप इटली और सिसिली आइलैंड। जब हम यूरोप पढ़ेंगे तब आपको इसके बारे में और अच्छे से पता चलेगा और याद भी होगा। उसके बाद माउंट एकनगुआ हमारा सबसे, इसका आंसर है हाईएस्ट पीक है साउथ अमेरिका का, और इसकी ऊंचाई है 6960 मीटर्स की। मैं एक बार और लिख देता हूँ, इसकी जो ऊंचाई है वो है 6960 मीटर। और फिर हमारा माउंट कोटोपैक्सी हो गया, जो कि है हमारा इक्वाडोर में। मैंने जो आपको माउंटेन्स पढ़ाए थे उसमें पढ़ाया था माउंट एकनगुआ, लाइन वाइज मैं बताता हूँ आपको साउथ टू नॉर्थ। सबसे पहले एकनगुआ, फिर पढ़ाया था मैंने ओजस डेल सलाडो, फिर पढ़ाया था माउंट मिस्टी, फिर मैंने आपको पढ़ाया था कोटो चिम्बोराजो, फिर पढ़ाया था आपको कोटोपैक्सी, और सबसे ऊपर पढ़ाया था मैंने आपको कॉर्डिलेरास। इसमें हमने वेस्टर्न और ईस्टर्न कॉर्डिलेरास पढ़े थे। ये हमारा साउथ टू नॉर्थ सारे माउंटेन्स हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन साउथ अमेरिका। और मैंने आपको एक लेक बताया था बोलीविया, और आपका मैं आपको दिखाता हूँ, आपको याद आ जाएगा एकदम से, ये वाला जो लेक है आपका बोलीविया, पेरू, और बोलीविया मेनली बोलीविया और पेरू के पास कौन सा लेक बताया था, जिसको मैंने बताया था कि ये जो है हाईएस्ट नेविगेबल लेक पूछा आपसे भी है, हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे और यहाँ से नेविगेशन किया जाता है हमारा। तो हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन साउथ अमेरिका में है हमारा लेक टिटिकाका। उसके अलावा रोकोपोंडो रिजर्वायर मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, लेक वैलेंशिया आपका अफ्रीका में है, एक बार मैं और देख लूंगा, थोड़ा कन्फ्यूजन है मेरे को। लेक मराकाइबो मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारा वेनेजुएला में एक इम्पॉर्टेंट जगह है मराकाइबो, तो वो है हमारा ये रहा लेक मराकाइबो। ये हमारा कंप्लीट होता है फोर्थ क्वेश्चन। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो पूछा है हमारे से।
कि हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ साउथ अमेरिका कौन सा है। तो हमने साउथ अमेरिका में कौन कौन से वॉल्केनो पढ़े थे, अगर आप याद करें तो हमने साउथ अमेरिका में वॉल्केनोज पढ़े थे, यही जो माउंटेन्स जो है हमारे वही वॉल्केनोज थे मेनली। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, पांच पढ़े थे जैसे कि हमने एकनगुआ एक्टिव माउंटेन था तो माउंटेन्स और एक्टिव वॉल्केनोज, ओजस डेल सलाडो, मिस्टी, चिम्बोराजो, कोटोपैक्सी और आपके कॉर्डिलेराज। तो अब इसमें पूछा गया है हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में यहाँ पे आपको देखिए, मैंने आपको किलुआ कोई बताया नहीं है साउथ अमेरिका में, माउंट सेंट हेलन कोई बताया नहीं है साउथ अमेरिका में, मेरापी मैंने आपको बताया नहीं है। तो आपने एक ही इसमें माउंटेन पढ़ा होगा साउथ अमेरिका के नाम से, वो है कोटोपैक्सी। तो ये जो हमारा हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ साउथ अमेरिका है वो है हमारा माउंट कोटोपैक्सी। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ जितना कि माउंट मेरापी जो है आपका ये पड़ता है फिलीपींस में। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये तो सेम ही क्वेश्चन है जो रिपीट हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन साउथ अमेरिका, लेक टिटिकाका। ये है हमारा माउंट एकनगुआ जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है साउथ अमेरिका की। मैंने आपको भी बताया कि माउंट एकनगुआ हाईएस्ट माउंटेन पीक है साउथ अमेरिका की, इसकी हाइट कितनी है 6960 मीटर। ये किस कंट्री में लाई करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है कि ये किस कंट्री में लाई करता है। तो हमारा जो माउंट एकनगुआ है वो हमारा लाई करता है अर्जेंटीना में। आपको मार्क दिखाता हूँ मैप में, ये रहा हमारा माउंट एकनगुआ और ये चिली के बाद ये हमारा अर्जेंटीना आ जाता है। सॉरी गाइस, जो माउंट एकनगुआ है हमारा वो लाई करता है हमारा चिली में। एक मिनट में देख लेता हूँ एक बार, मैं फिर आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन को आप होल्ड पर रख दीजिएगा, मैं एक बार देखूंगा। बेसिकली माउंट एकनगुआ जो है, एक मिनट मैं आपको अभी बता देता हूँ, थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन है बस इस। तो गाइस, जो हमारा माउंट एकनगुआ जो है वो हमारा अर्जेंटीना में ही है। बेसिकली ये अर्जेंटीना और चिली की बॉर्डर पे है, लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि माउंट एकनगुआ है कहाँ पे, तो हम इसमें अर्जेंटीना ही मार्क करेंगे। माउंट एकनगुआ की हाइट पूछ ली जाए 6960 मीटर, ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है साउथ अमेरिका की। इसके बाद आते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ इक्वाडोर, ये देखिए इक्वाडोर इज द नेचुरल फर्टिलिटी सेंटर ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल स्पीसीज रिसेंटली इन न्यूज। तो ये हमसे पूछा जाए तो हम इसका क्या आंसर लगाएंगे। तो हम मैंने आपको बताया था कि इक्वाडोर का एक आइलैंड मैंने आपको बताया था उसके पास में, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला रीजन, ये मैंने आपको बताया था कि ये गैलापागोस आइलैंड जो है इक्वाडोर का ही पार्ट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है क्योंकि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत मिलती है। हमारे जो ऑलिव रिडले टर्टल है और एक दो और जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज है वो यहाँ पे पाई जाती है। अब आपसे पूछा जाए कि ऑलिव रिडले टर्टल हमारे इंडिया में भी एक जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी ब्रीडिंग वहाँ पे होती है मेनली ऑलिव रिडले टर्टल की, वो है उड़ीसा में। उड़ीसा का एक बीच है जिसका मैं आपको नाम बताता हूँ, एक मिनट याद करके। उड़ीसा का जो बीच है उसका नाम है आपका, हमारा जो ऑलिव रिडले टर्टल है वो उड़ीसा में मिलता है हमारा आपका वहाँ पर, क्योंकि इनकी ब्रीडिंग होती है तो इसलिए उड़ीसा में बहुत इंपॉर्टेंट जगह है एक गाहिर माथा बीच, यहाँ लिख देता हूँ गाहिर माथा बीच, जहाँ पर ऑलिव रिडले टर्टल्स की ब्रीडिंग होती है। और इस बीच को जो है एक ब्लू फ्लैग भी मिल चुका है कि ये ब्लू फ्लैग बीच है। इंडिया में टोटल 8 या 9 ब्लू फ्लैग बीचेज हैं, ब्लू बीचेज उसकी कैटेगरी में भी आता है गाहिर माथा बीच। तो ये जो स्पेसीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि इक्वाडोर का जो वो आइलैंड है वो है गैलापागोस आइलैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि। और ये भी याद रखिएगा कि इंडिया में उड़ीसा में जो गाहिर माथा बीच है वहां पर इनकी ब्रीडिंग होती है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन का जो है मैं अपना ऑप्शन लिखने भूल गया हूँ, बट मैं आपको ये क्वेश्चन करा देता हूँ। इसमें हमसे पूछा है कि सॉरी गाइस ये थोड़ा उल्टा हो गया, कंट्रीज और ग्रासलैंड इधर आएगा और कंट्री इधर आएगा। तो हमसे पूछा गया है कि कौन सा ग्रासलैंड किस कंट्री में है। तो सबसे पहले हम लानोस पढ़ेंगे। लानोस हमने याद हो आपको कि लानोस मैंने आपको बताया था कि वेनेजुएला का जो ग्रासलैंड्स हैं वो लानोस हैं, ये रहे लानोस अपना।
ये लानोस है अपना। उसके बाद मैंने इसमें पूछा है कि आपका पंपास कहाँ है, ये है आपका पंपास वाला रीजन। उसके बाद मैंने आपको पूछा है इसमें कि कैंपोस कहाँ है, तो ये है आपका कैंपोस वाला रीजन। तो देखिए इसमें लानोस है वेनेजुएला में, पंपास है अर्जेंटीना में और कैंपोस है ब्राजील में। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो जैसे कि देख सकते हैं तो इसमें हम सीधे सीधे मैचिंग करते हैं, लानोस हमारा कहाँ पर है, वेनेजुएला में। पंपास कहाँ है हमारा, आपका पंपास है अर्जेंटीना में। और ग्रान चाको जो है हमारा वो है बोलीविया में। मैंने कैंपोस बताया था, अगर आपका कैंपोस, कटिंगोस और सेरेडोस आ जाए तो वो हो जाते हैं हमारे ब्राज़ील में। सेल्वाज आ जाए तो वो भी ब्राज़ील में। लानोस आपका आ गया वेनेजुएला में, पंपास आपका अर्जेंटीना में, ग्रान चाको बोलीविया में। और अगर आपसे पूछ लें मेटोरल वेजिटेशन कहाँ है तो वो आप लगाएंगे चिली में। तो इस तरीके से मैंने आपको सारे ग्रासलैंड बता दिए हैं कि जितने भी साउथ अमेरिका में हैं। आप चाहें तो मैं आपको एक बार फिर से बता सकता हूँ, लानोस हमारा वेनेजुएला, पंपास अर्जेंटीना, ग्रान चाको बोलीविया, फिर आ जाता है हमारा कैंपोस, कटिंगोस और सेरेडोस जो कि है हमारा ब्राज़ील में, फिर आ जाता है हमारा आपका मेटोरल वेजिटेशन, ये हमारा चिली में, और सेल्वाज आ जाता है जो कि है हमारा ब्राज़ील। इस तरीके से आपके सारे ग्रासलैंड जो साउथ अमेरिका के थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा एटाकामा डेजर्ट, द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ। एटाकामा डेजर्ट जो ड्राइएस्ट प्लेस है अर्थ पर वो कहाँ लोकेटेड है। तो अब इसमें हमसे पूछा गया है टेंथ क्वेश्चन में कि जो हमारा एटाकामा डेजर्ट है जो ड्राइएस्ट प्लेस है अर्थ पर वो लोकेटेड है किस कंट्री में साउथ अमेरिका के। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पे ऑप्शंस लिख रखे हैं, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पेरू और चिली। तो आपको क्या लगता है कि हमारा जो एटाकामा डेजर्ट है जो ड्राइएस्ट प्लेस है वो कहाँ होगा। तो हमारा एटाकामा डेजर्ट जो है वो चिली में लोकेटेड है। मैं आपको उसकी लोकेशन दिखा देता हूँ, चिली में ये रहा हमारा एटाकामा डेजर्ट। चिली में, चिली की कैपिटल है आपकी सेंटियागो। और चिली में मैंने और भी दो चार जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताई थी, चिली में सेंटियागो एक इम्पॉर्टेंट है, फिर आपका है अरीका प्लेस, फिर है आपका चुकाकोमाटो, फिर है आपका पुंटा अरीना और फिर है लास्ट में आपका केप। ये पांच चीज़ें मैंने आपको इम्पोर्टेंट चिली में बताई थी। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनोस एरेस, उरुग्वे की कैपिटल है शुशियन, पेरू की कैपिटल है आपकी लीमा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया। अटाकामा डेजर्ट इतना ड्राई है कि यहाँ पे कुछ प्लेसेस तो ऐसे हैं, इतना ड्राइएस्ट प्लेस है अर्थ में कि यहाँ पे कुछ प्लेसेस तो ऐसे हैं जहाँ पे 500 ईयर्स से एक सिंगल ड्रॉप ऑफ रेनफॉल तक नहीं हुई है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि ये कितना ड्राइएस्ट प्लेस है अर्थ में, ये हमारा चिली में। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल, एंजल वाटरफॉल जो है जिसकी हाइट है आपकी कभी कभी आ जाता है 979 मीटर, ड्रेन होता है इट्स वाटर फ्रॉम विच रिवर, कहाँ से इसकी जो है हमारा शुरू होता है और कहाँ से अपना वाटर ये लेता है। तो मैंने आपको जब मैं मैपिंग पढ़ा रहा था और लेक्स पढ़ाए थे कि एंजल फॉल, तो मैंने आपको बताया था कि एंजल फॉल के पास एक रिवर है, ये रहा हमारा एंजल फॉल्स। इसके पास मैंने आपको एक रिवर बताई थी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये एंजल फॉल्स इधर और ये रिवर, ये है हमारी रिवर ओरिनोको रिवर्स। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि एंजल फॉल किस रिवर पर सिचुएटेड है या एंजल फॉल की जो वाटर है वो किस रिवर से ड्रेन होकर आता है, तो वो है हमारी ओरिनोको रिवर। ये हमारी मिलती है वेनेजुएला में, लिख देता हूँ ना। पराना रिवर है आपकी ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, इन सबको टच करते हुए ये लागोस डे प्लाटा में जाके जो गिर जाती है रिवर वो है पराना। और अमेजोन तो हमारी सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है ही, जो कि हमारी ब्राज़ील में। और मैं इसमें इंपॉर्टेंट बताता हूँ आपको एक चीज, अमेजोन सेकेंड लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट रिवर भी है। दूसरा ये इसकी जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो है मेडिसा रिवर, और इसके अलावा इसका जो माउथ है अमेजोन रिवर का वो है मकापा। ये एंड पॉइंट है साउथ अमेरिका में जहाँ पर रिवर जाके गिर जाती है। उरिना को मैंने आपको बता ही दिया, इसका एंजल वाटरफॉल है, पराना के बारे में आपको बता चुका। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका। अब इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि लार्जेस्ट लेक साउथ अमेरिका का कौन सा है। हमने टिटिकाका भी पढ़ा है, पूपो भी पढ़ा है, मराकाइबो भी पढ़ा है और गैलापागोस भी पढ़ा है।
तो अब इसमें आपको एक चीज मैं इसमें एलिमिनेशन करना बताता हूँ। सबसे पहले तो गैलापागोस हमने कोई लेक नहीं पढ़ा, ये हमने पढ़ा था आइलैंड, वो भी इक्वाडोर का। उसके बाद हमने लेक कूपो पढ़ा था बोलीविया में, लेक टिटिका का हमने पढ़ा था बोलीविया में, और ये आपका पेरू और चिली, पेरू के बॉर्डर पे, और ये हमारा हाईएस्ट नेविगेबल लेक भी था। लेक कूपो हमने बोलीविया में पढ़ा था, पूरा का पूरा बोलीविया में ही था। फिर मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि वेनेजुएला में एक लेक, एक प्लेस है मराकाइबो, वहां पे एक लेक है मराकाइबो लेक, ये वाला। ये वाला मैंने आपको बताया था कि ये जो है लार्जेस्ट लेक है आपका साउथ अमेरिका का। तो इससे हमें पता चल गया कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है, कि लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका जो है वो है हमारा लेक मराकाइबो, जो कि है आपका वेनेजुएला में। तो मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि वेनेजुएला की कैपिटल है कैरकास। इसके अलावा मैंने बताया था वेनेजुएला में एंजल फॉल्स है, जो कि है ओरिनाको रिवर पे। इसके अलावा मैंने इम्पोर्टेंट पढ़ाया था आपको वेनेजुएला में कि ये यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व मिलते हैं, और एक माराकाइबो कोर्ट पढ़ाया था, तो वहीं पर माराकाइबो लेक है। तो इससे याद रखिएगा आप कि माराकाइबो लेक जो है हमारा वेनेजुएला में। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो सवाना ग्रासलैंड है ब्राजीलियन हाईलैंड के। अभी अभी मैंने आपको सारे ग्रासलैंड बताए हैं कि पंपाज है हमारा अर्जेंटीना में, सेल्वास ब्राजील में, कैंपोज हमारा ब्राजील में, और लानोस वेनेजुएला में। हम पे हम पूछा जा रहा है सवाना ग्रासलैंड जो ब्राजीलियन हाईलैंड मीन्स जो सवाना वाला रीजन है वहाँ पे। तो मैंने आपको तीन पढ़ाए थे ग्रासलैंड, कैंपोज पैरेलल में, कटिंगोज और सरडोज। तो इसका आंसर होगा जो सवाना ग्रासलैंड जो है ब्राजीलियन हाईलैंड के, वो है कैंपोज। ये हो गया हमारा 13th क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं अपने 14th क्वेश्चन में। इसका आंसर मैं अभी आपको बता चुका हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ इक्वाडोर इज द नेचुरल फर्टिलिटी सेंटर ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल। इसका आंसर है गैलापागोस आइलैंड। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन साउथ अमेरिका एंड ऑल्सो इन द वर्ल्ड। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि एक हमारा एंजल वाटरफॉल है जिसकी हाइट है 979 मीटर, और ये हाईएस्ट वाटरफॉल है इन द वर्ल्ड में। ये है हमारा ओरिनाको रिवर पे, तो ये हमारा एंजल वाटरफॉल। फिर हम आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ अमेरिकन रिवर इज द मोस्ट वॉल्यूमिनस एंड द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। वॉल्यूमिनस मीन्स इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड। मैंने अभी आपको बताया था कि ओरिनाको रिवर है तो साउथ अमेरिका की, पर लॉन्गेस्ट नहीं है। तो हमारी अमेजोन है वो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड में, और जो फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर है वो हमारी नाइल, नाइल। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिथियम ट्राइंगल जो है, जो हम न्यूज में भी देखते हैं, इज यूज होता है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री कंट्रीज। साउथ अमेरिका की ऐसी कौन सी तीन कंट्रीज है जिनके लिए हम लिथियम ट्राइंगल को वर्ड जो है वो यूज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर वन। अब ये वन क्यों है, क्योंकि ये देखिए चिली हो गया आपका, बोलीविया हो गया, अर्जेंटीना, तीनों में ही लिथियम रिजर्व बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। तो जैसे कि मैं मैप में दिखाता हूँ आपको, ये जो रीज़न है अर्जेंटीना का, ये चिली का, ये पूरा रीजन जो है इसको लिथियम ट्राइंगल बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट आप ये लगा लीजिए कि 45% जो वर्ल्ड के जो रिजर्व हैं लिथियम के ग्लोबल, वो हमारे इन तीन कंट्रीज में मिलते हैं। अब मैं इनमें एक प्लेसेस आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन से प्लेस में मिलता है। अब चिली में है आपका सलार डे अटाकामा, फिर आपका बोलीविया में है सलार डे उयूनी, फिर आपका अर्जेंटीना में है सलार डे रिजर्व। ये तीन जगह हैं, ये आपकी, आपकी चिली की, ये है आपका चिली का, ये बोलीविया का, और ये अर्जेंटीना का। ये तीन प्लेस हैं, ये तीनों मिला के पूरे वर्ल्ड का 45% जो है लिथियम रिजर्व है उसको स्टोर करके रखते हैं, करते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने कुछ 15 क्वेश्चन होंगे मेनली, इसमें एक आध रिपीट हो गया, ये निकाले थे आपके यूपीएससी और यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर्स में से।
और ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्प काफी मिली होगी, मिलेगी इन क्वेश्चन से अगर आप इनको करेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको पूरा साउथ अमेरिका एक बार फिर से रिवाइज करा दिया है। तो इसी तरीके से मैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में जो है अफ्रीका कंप्लीट करके उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अफ्रीका के इंपॉर्टेंट यूपीपीसीएस और यूपीएससी के क्वेश्चंस कराऊंगा।